पहुंच चुके हैं और कन्हैया कुमार के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। अब केसी वेणुगोपाल जी, दीपक बाबरिया जी, सचिन पायलट जी, देवेंद्र यादव जी, सुभाष चोपड़ा जी, अनिल चौधरी जी, रजिंदर पाल गौतम जी, वरुण चौधरी जी, हमारे कैंडिडेट कन्हैया कुमार जी स्टेज पे। स्टेज पे इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता, गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता बब्बर शेर भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? इतनी गर्मी में आए, इतनी गर्मी में आए, दिल से धन्यवाद करता हूं आपका। भाई और बहनों, लड़ाई इस चुनाव में ये कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की है। ये जो संविधान है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी एक विचारधारा, एक सोच है। अंबेडकर जी ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, गांधी जी ने बनाया, जवाहरलाल नेहरू जी और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बनाया, मगर इसमें सोच पुरानी है। सोच बुद्ध भगवान की है, नारायण गुरु जी की है, बसवना जी की है, फूले जी की है, गांधी जी, अंबेडकर जी, इन सब की सोच से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और पहली बार बीजेपी के लोग खुलकर कभी नहीं कह सकते थे, पता नहीं आपको मालूम है नहीं मालूम है, मगर उन्होंने ना ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया था, ना हिंदुस्तान का तिरंगा एक्सेप्ट किया था। तो पहले ये कहते नहीं थे, चुप रहते थे और सोचते थे कि किसी ना किसी दिन हम अंबेडकर जी की सोच, बुद्ध भगवान की सोच, गांधी जी की सोच को फाड़ के फेंक दें, मगर खुलकर कभी नहीं कह पाते थे। इस बार पहली बार इनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे, बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। और मैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूं, आप सपने मत देखिए, आपकी बस की नहीं है, आप ये काम कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपके सामने हिंदुस्तान के करोड़ों लोग खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और आपने करने की कोशिश भी की तो फिर देखो क्या होता है। भाई और बहनों, संविधान से रिजर्वेशन निकलता है, संविधान से चुनाव होते हैं, लोकतंत्र निकलता है, पब्लिक सेक्टर आता है, हरी क्रांति होती है, सफेद क्रांति होती है, टेलीकॉम रेवोल्यूशन होता है, मनरेगा, जो भी आपको मिला है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया है। और ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों की मेहनत से बना है, इसीलिए
इसको हम कभी नहीं मिटने देंगे। ये रिजर्वेशन को मिटाने की बात करते हैं, मोहन भागवत जी का वीडियो आया था, उसमें कहते हैं कि रिजर्वेशन से देश को नुकसान होता है। हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ कह दिया है कि ये जो 50% की लिमिट है इसको हम हटा देंगे, रिजर्वेशन को हम 50% से भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे? देखे वो जो चमचों वाले इंटरव्यू हैं? देखे नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं, चार चमचे आ जाते हैं, देखे आपने? उसमें नरेंद्र मोदी अलग अलग बयान देते हैं। उनसे पूछा वो चमचे ने, एक चमचे ने पूछा, मोदी जी हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है? नरेंद्र मोदी जी ने 30 सेकंड सोचा,